हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो भारतीय संघर्षवादी, मार्क्सवादी या द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य, तीनों में से कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है। इसके पहले हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव इंडियन सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं और उसमें तीन तीन थिंकर थे, तो मोस्टली हम सिक्स थिंकर को पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसमें हम तीन थिंकर को पढ़ेंगे, डीपी मुखर्जी, एआर देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे हम यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं, ये यूनिट भी लगभग फिनिश होने के कगार पर है। तो यूनिट वाइज जो पढ़ रहे हैं और यूनिट के क्वेश्चन आते हैं, यूनिट के एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा मैं ये सोच रही हूँ कि 10 क्वेश्चन डेली मैं इस वीडियो में, इस चैनल पर डाल दिया करूँ, और इसके अलावा 5 कोटेशंस, ठीक है, 5 कोटेशंस और 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस का सिलसिला लगभग तब तक चलता रहेगा जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ना ख़त्म हो जाए, और कोटेशंस जो है वो लगभग 500 हो जाएंगे, तो उसमें से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे लगभग, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो होता है तो काफ़ी ब्रॉड है सिलेबस, ठीक है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि 500 डाल दूँ, ताकि कोई बच्चे जो हैं ऐसे ना हो कि क्वेश्चन ना कर पाए। ओके, तो कल से यही होगा कि कोटेशंस के क्वेश्चन, सॉरी, कोटेशंस का वीडियो और क्वेश्चंस की वीडियो और यूनिट वाइज जो चल रहा है उसका वीडियो, तीन वीडियो एक साथ पढ़ेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि इधर तो थिंकर चल रहा है, फिर इन्होंने बीच में क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, फिर क्या, तो ऐसा नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग क्राइटेरिया में उसको रखिए, ये अलग क्राइटेरिया में रखिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, संघर्षवादी विचारधारा का मतलब है कि जब हम द्वंद्व की बात करते हैं, किसी चीज़ में द्वंद्व की बात करते हैं, तो उसको हम संघर्षवादी कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं, द्वंद्ववादी कहते हैं, ठीक है। और इनका यही मोस्टली क्वेश्चंस इनके द्वंद्ववाद से संबंधित होता है, ठीक है। किसने कहा, परंपराओं के द्वंद्व की बात किसने कही, या फिर द्वंद्ववाद का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डीपी मुखर्जी जो है इनका पूरा नाम धुरजटी प्रसाद मुखर्जी है, तो कहीं यदि प्रश्न में कोई क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद नीचे धुरजटी प्रसाद मुखर्जी लिखता है तो समझ जाइए कि डीपी मुखर्जी हैं। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये कौन है। इनका जो जन्म है वो 1894 में और इनकी जो मृत्यु है वो 1961 में। तो ठीक है, इनके जन्म और मृत्यु के चरण में, चक्र में यदि हम देखें, तो इसमें हमें पता चलता है कि इनका जो यंग अवस्था था, काफ़ी इनके बीच में काफ़ी यंग थे ये, जब देश की आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा था, लोग संघर्ष कर रहे थे, तो ये बिल्कुल यंग अवस्था में थे, ये विचार कर सकते थे, लोगों का विरोध कर सकते थे, ये सब कुछ कर सकते थे, यानी उस समय इनकी जो मानसिकता थी वो उससे लोगों को प्रभावित कर सकते थे, तो ये उस समय की विद्वान है जब अंग्रेजी शासन था, ठीक है। फिर देखते हैं इनके विचारों की पृष्ठभूमि कैसे बनी, कैसे इन्होंने जो मार्क्सवादी बने, ये कैसे बने मार्क्सवादी देख लेते हैं। तत्कालीन समय में, यानी जब ये यंग थे, जब ये परिपक्व हो गए, पूरी तरह से एडल्ट हो गए, सोचने लायक, समझने लायक हो गए, तो रूसी क्रांति के बाद रूसी साम्यवाद पांव पसार रहा था, ठीक है, और भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। देखिए, साम्यवाद का मतलब क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा साम्यवाद से प्रभावित है, तो साम्यवाद जो है हर जगह फैल रहा था, भारत में भी फैला, ठीक है। भारत में कुछ भागों में कामगार मजदूर जो है वो संघर्ष करने लगे, तो देखिए साम्यवाद में क्या है, मजदूर लोग भी अपने आप को आत्मविश्वास से देखने लगते हैं और वो अपने हक को लेने के लिए क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं, ठीक है, संघर्ष करने लगते हैं, तो वो क्या हो गया, साम्यवाद। डीपी मुखर्जी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति हेतु राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता विभाजन को नज़दीकी से इन्होंने देखा हुआ था, चूँकि ये उस समय यंग थे और पूरी तरह से समाज में इनकी सहभागिता थी, ठीक है। तो इन्होंने औपनिवेशिक शासन को देखा, राष्ट्रीय आंदोलन को देखा, और भी समाज की बारीकियों को इन्होंने देखा, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। देखिए, उस समय भारतीय सभ्यता को असभ्य कहकर बुलाया जाता था और ऐसा माना जाता था कि भारतीयों को उठने बैठने रहने का तरीका नहीं पता है, इनके जो मैनर्स हैं वो बैड मैनर्स हैं, ठीक है, लोगों के सामने, सभ्य लोगों के सामने इनको ले जाने लायक नहीं, ये असभ्य और बर्बर हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता था। और उस समय एक ऐसी लहर चली थी कि भारतीय सभ्यता का विरोध किया जा रहा था, भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा, विदेशी समाजशास्त्रियों द्वारा, और भी जो विचारक थे सबके द्वारा, सभी लोग मानते थे कि भारतीय सभ्यता अच्छी नहीं है और इसको अंग्रेजी सभ्यता से सीखना चाहिए, ठीक है, इसको जो मैनर्स नहीं आते, बैड मैनर्स इसके अंदर भरे पड़े हैं, उसके लिए उसको अंग्रेजी सभ्यता से सीखना चाहिए।
तो डीपी मुखर्जी ने उस समय ये जो लहर चली थी इस लहर का खंडन किया था। उन्होंने सबका विरोध किया और बोला कि नहीं, भारतीय सभ्यता एक गौरवान्वित सभ्यता है और इसको बुराई नहीं, इसको बुराई की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। तो उन्होंने आधुनिक सभ्यता का खंडन किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, द्वंद ही है ना, आधुनिकता का विरोध करके उन्होंने परंपरा का पक्ष लिया, ठीक है। तो यही उनका द्वंद्ववाद का सिद्धांत है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इस उनके इस विचारधारा को उन्होंने कौन सा नाम दिया, मार्क्सोलॉजी यानी मार्क्सशास्त्री। तो ये भी एग्ज़ाम में आता है कि किसने अपने आप को मार्क्सवादी न कहकर मार्क्सशास्त्री कहा, क्यों कहा, इसको भी हम आगे देखेंगे। देखिए, पद्धति शास्त्र संबंधी उनके जो विचार हैं कौन कौन से हैं, उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन और संस्थागत तरीकों को अनुपयुक्त माना। उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी तरीका आपने अपनाया हुआ है समाज को अध्ययन करने का, ये बहुत ही गलत है, इसके द्वारा आप समाज को नहीं समझ सकते। क्योंकि पश्चिम में क्या होता है, वो बिल्कुल तटस्थ होकर ही समाज का अध्ययन करते हैं, और इतना तटस्थ होकर समाज का अध्ययन करना ये संभव नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समाजशास्त्री और ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए उपयोगी। उन्होंने कहा कि जब समाज का अध्ययन करना है, इतिहास का अध्ययन करना है, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाना काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, इसको नहीं अपनाइए, क्योंकि तटस्थ होकर आप समाज को कैसे देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि समाज जो ऊपर से दिखाई देता है वो नहीं है, समाज तो इसके अंदर है। समाज मतलब हमारी फीलिंग्स जो है, हमारे रिलेशंस जो हैं, यही सब समाज है ना। तो हम समाज को कब समझेंगे, जब हम इसको ऊपरी चीज़ों के आधार पर नाप तौल के नहीं देखेंगे, बल्कि इसकी फीलिंग्स को देखेंगे, इसके आंतरिक चीज़ें जो इसमें छिपी हुई हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने उनका जो पद्धति शास्त्र था वो प्रत्यक्षवाद का विरोधी था, ठीक है। और वो उन्होंने उत्तर आधुनिक जो टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है अध्ययन का, लगभग वो उसको फॉलो करते थे, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ों के जो गहराई में जो अंदर छिपे हुए अर्थ है उसकी बात करते हैं, और जो ऊपरी चीज़ दिखाई देती है उसके लिए वो पक्ष नहीं लेते। देखिए, मार्क्स शास्त्री क्यों कहा जाता है उनको, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, या फिर एग्ज़ाम में भी ट्रू फॉल्स में करके आ सकता है, ठीक है। डीपी मुखर्जी स्वयं को मार्क्सवादी ना कहकर मार्क्सशास्त्री कहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि मार्क्सवाद जो है वो कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक अध्ययन का एक माध्यम है। यानी वाद शब्द जोड़कर, ठीक है, वाद शब्द जोड़कर आप इसको राजनीति से मत जोड़िए कि मार्क्सवाद है तो साम्यवादी आएंगे और ऐसा ऐसा समाज सिस्टम बनेगा, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होगी, ठीक है। उसको हटा दीजिए, आप सामाजिक व्यवस्था की तरह मार्क्स को देखिए, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि मार्क्सवादी नहीं बल्कि मार्क्स शास्त्री होता है, ठीक है। शास्त्र का मतलब क्या, किसी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है। मार्क्स शास्त्र, मार्क्स अध्ययन शास्त्र मतलब मार्क्स के विचारों के अनुसार समाज का क्रमबद्ध अध्ययन जब हम करेंगे तो वो मार्क्स शास्त्री हो गया, ठीक है। फिर देखिए, प्रत्यक्षवाद की आलोचना उन्होंने की, तो ये एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि प्रत्यक्षवाद की आलोचना किसने की। तीन चार थिंकर रहेंगे तो उसमें डीपी मुखर्जी लगा दीजिएगा। इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद जो है वो तटस्थ होकर अध्ययन की बात करता है कि हमें वस्तुओं से जुड़ाव को समाप्त करना होगा, तब जाकर हम अध्ययन करेंगे, जबकि सामाजिक विज्ञानों में ऐसा संभव नहीं। यदि जो अध्ययन करता है वो अपने आप को पूरी तरह से समाज से पृथक करके अध्ययन करेगा, वो जानेगा ही नहीं कि रिलेशन क्या होता है, वो जानेगा ही नहीं कि संबंध क्या होता है, तो कितना वो निरीक्षण करेगा। क्योंकि समाज जो होता है वो हमारे अंदर है, समाज ये नहीं कि जो बाहर दिख रहा है, चार लोग खड़े हैं, यदि चार लोगों को खड़ा कर दिया जाए स्टैचू बनाकर तो क्या वो समाज कहलाएगा। जब तक उनमें संबंधों का आदान प्रदान नहीं होगा, उनमें जो रिलेशन बन रहा है, जो संचार का एक संबंध बनता है वो नहीं बनेगा, तब तक समाज है ही नहीं वो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि प्रत्यक्षवाद के आधार पर हम समाज की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि समाज तो वो है जो उसके अंदर छिपा हुआ है, समाज सामने जो है वो नहीं है, ठीक है। परंपरा और पश्चिमी परंपरा के द्वंद्व, ठीक है, जैसे आधुनिक परंपरा हो गया, या फिर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो भारतीय परंपरा जो है वो आधुनिकता से द्वंद्व की कंडीशन में है। एक तो उसका जो कट्टर परंपरा है वो छोड़ना नहीं चाहता, और आधुनिकता को भी अपनाने से यहाँ के लोग कतरा रहे हैं, ठीक है। यानी जो पश्चिमी परंपरा थी, जो पश्चिमी शिक्षा थी, उसमें और भारतीय परंपरा में द्वंद्व हो रहा है, इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, उस समय जिस समय वो समकालीन थे और उस समय एक लहर चली हुई थी भारतीय परंपरा को बुरा बोलने की और पश्चिमी परंपरा को अच्छा बोलने की, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसका उन्होंने खंडन किया, डीपी मुखर्जी ने बोला कि नहीं, भारतीय परंपरा तो श्रेष्ठ है, वो पश्चिमी परंपरा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है।
तो इसीलिए उन्होंने द्वंद्व किया और खंडन किया। तो यही उनका द्वंद्व है, भारतीय परंपरा और पश्चिमी परंपरा के बीच में द्वंद्व की बात उन्होंने कही है। ठीक है, फिर देखिए उन्होंने जो बात बोली है कि जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, अपने प्रशासन को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो कि अंग्रेज़ी को जानते हों। ठीक है, तो उन्होंने इसी कूटनीति का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे और जो लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे वो क्या करते थे, अपने ही समुदाय से दूरी बना लेते थे। ठीक है, उनको लगता था कि यहाँ के लोग तो जाहिल हैं, उनको मैनर्स नहीं है। ठीक है, उनका जो विचारधारा था वो भी औपनिवेशिक हो चुका था और वो यहाँ के लोगों से, यहाँ की परंपराओं से बिल्कुल दूर हो गए। यहाँ शादी विवाह और जो भी चीज़ें होती थी परंपरागत ढंग से, जो संस्कार वगैरह होते थे उसमें वो सम्मिलित नहीं होते थे, वो बिल्कुल दूर हो गए थे। और उनका जो रहन सहन था ज़्यादातर अंग्रेज़ों के साथ था, जिसके कारण उनके बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे, अच्छा वेतन उनको मिलता था। ठीक है, तो वो लोग जो थे वो भारत के मूल निवासियों से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ग बना जो अंग्रेज और भारतीय इन दोनों के बीच का वर्ग हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के संवाद से, इन दोनों के मिलन से जो वर्ग बना वो मध्यम वर्ग था, यानी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग। ठीक है, तो एक समय बाद उनको ऐसा लगा कि वास्तव में अंग्रेज तो हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, हमें जो चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए थी वो अंग्रेज शोषण कर रहे हैं। ठीक है, हमारे संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं और हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वो ब्रिटेन में ले जाकर उसको पूरी तरह से कंपनी में बना कर फिर हमारे यहाँ ही बेच रहे हैं। ठीक है, वो डबल लाभ ले रहे हैं, एक तो हमारे यहाँ से लगान ले रहे हैं, वो जो उत्पादन हो रहा है हमारी मेहनत का वो हम नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि इसके कारण जो है उनके अंदर एक द्वंद आया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम बहुत गलत कर रहे हैं जो हम अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं। अंग्रेजी तो अंग्रेज जो थे ये तो वास्तव में हमारे खिलाफ हैं। जब उनको ऐसा एहसास हुआ तब उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उनके विरुद्ध जो है आंदोलन और लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि ऐसा नहीं, ऐसा है और आपका शोषण हो रहा है, आप लगान मत दीजिए। यानी जो पूरा एक विचारधारा बन गई थी अंग्रेज़ों को भगाने की, वो इन्हीं लोगों के द्वारा शुरू हुई थी। ठीक है, और इन्होंने संगठित आंदोलन भी किया था, संगठित आंदोलन के द्वारा इन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, फिर उन्होंने जो अंग्रेज जो थे वो जाने लगे तो क्या किए, ये मध्यम वर्ग जो था ये शिक्षित था, ठीक है, तर्क कर सकता था, तो इन्हीं के हाथ में वो सत्ता सौंप कर गए थे। और भारत जब आज़ाद हुआ तो मध्यम वर्ग ने ही सबसे ज़्यादा भारत के विकास के लिए कार्य किया। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने परंपराओं के जो द्वंद्व की बात बोली थी वो आधुनिक परंपरा और जो प्राचीन परंपरा है। ठीक है, हमारी प्राचीन परंपरा थी और वो आधुनिक परंपरा के थे, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के द्वंद्व से जो चीज़ बनी वो मध्यम वर्ग थे। ठीक है, जो लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए, तो इसी के लिए उन्होंने द्वंद्व की बात की, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व या फिर दर्शन और विज्ञान के द्वंद्व की बात की। ठीक है, उन्होंने दो प्रकार के द्वंद्व की बात की थी, दर्शन और विज्ञान और आधुनिकता और परंपरा। तो देखिए, दर्शन क्या है, दर्शन का मतलब जो अंदर छिपा हुआ है, किसी भी चीज़ का जो अर्थ अंदर छिपा है वो दर्शन है, और किसी चीज़ का अर्थ जो सामने दिख रहा है वो क्या है, वो विज्ञान है। जब हम किसी चीज़ को उसके रूप रंग आकृति के आधार पर देखते हैं, नापते तोलते हैं, तो वो क्या हो गया, वो प्रत्यक्षवादी पद्धति होगी, वो वैज्ञानिक पद्धति होगी, वो पश्चिमी पद्धति होगी। ठीक है, लेकिन जब हम उसके अंदर छिपे हुए अर्थों को देखते हैं तो ये दार्शनिक चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसके बीच में द्वंद्व की बात की, पश्चिमी विचारक जो थे वो मानते थे कि प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही चीज़ों का अध्ययन किया जाए, जबकि डीपी मुखर्जी मानते थे कि नहीं, जब तक हम परंपरा को नहीं अंदर से जानेंगे, जब हम फील नहीं करेंगे तो हम अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। देखिए, मध्यम वर्ग ने कार्य क्या क्या किया है, इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरोध में सफल राष्ट्रीय आंदोलन किया। जब इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ब्रिटिश शासन जो है वो हमारा शोषण कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू किया। ठीक है, फिर है उन्होंने सामाजिक संघर्ष का प्रतिपादन किया, लोगों को इकट्ठा किया, समझाया, लोगों को जागरूक किया। ठीक है, संगठनात्मक ढंग से वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए, और चूंकि वो सब कुछ जानते थे, प्रशासन वगैरह सब कुछ जानते थे वो, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, तो इनके कार्यों से काफ़ी हेल्प मिली और राष्ट्रीय आंदोलन के में। ठीक है, और भारत आज़ाद हुआ। फिर देखिए, देश विभाजन को लेकर विचार, जो देश विभाजित हो रहा था उस समय भी अंग्रेज़ों की कूटनीति को समझकर लोगों को समझाने वाले, जागरूक करने वाले ये वर्ग ही था। और स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई तो सामाजिक परिवर्तन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत बहुत ही लुंजपुंज स्थिति में था। ठीक है,
कर दे देकर लोग जो है इतना ज़्यादा गरीब हो गए थे कि वो विकास के लिए कुछ नहीं सोच सकते थे। ठीक है, तो उस समय भारत को पटरी पर लाने में, औद्योगिकरण करने में और किन चीज़ों के द्वारा भारत जो है वो विकासशील देश से विकसित देश की तरफ जाए, इस वर्ग के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया। ठीक है, इस वर्ग ने ही ये सब चीज़ें सोची, क्योंकि एक तो बिल्कुल निचला वर्ग था जो कुछ नहीं जानता था, जो बोलना पढ़ना नहीं जानते थे, उनका मतलब एकदम परंपराओं में रहते थे। ठीक है, वो कठिन वर्ड दे देंगे तो आप बोल नहीं पाते थे, वो बहुत अशिक्षित होते थे। एक तो जमींदार वर्ग था, ठीक है, और बीच में ये जो मध्यम वर्ग था, ये मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अंग्रेजी शासन और परंपरावादी जो भारतीय शासन था, भारतीय परंपरा थी। ठीक है, एक तो हो गया अंग्रेजी परंपरा, दूसरी हो गई भारतीय परंपरा, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व हुआ, जो संवाद हुआ, इसके परिणाम स्वरूप कौन बना? मध्यम वर्ग बना। और यही मध्यम वर्ग जो है वो अंग्रेजी शासन को भगाने में काफ़ी हेल्प किया। तो इन्होंने द्वंद्व में यही कहा कि इनका जो द्वंद्व है वो इस प्रकार का है जो मैंने अभी बताया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। समाज विज्ञानी जो है वो एकता के विचार, इनका जो समाज विज्ञान का एकता का विचार था वो देखिए क्या है। डीपी मुखर्जी मानते हैं कि अर्थशास्त्र की जड़ें समाजशास्त्र में होनी चाहिए, जबकि समाजशास्त्र का स्वरूप ऐतिहासिक होना चाहिए, दूसरी तरफ इतिहास को दर्शन से संयुक्त होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान के संबंध पर जोर दिया। ठीक है, तो वो किस संप्रदाय से संबंधित हुए? वो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हुए, क्योंकि उन्होंने समन्वय की बात की है ना, अलग अलग जो विज्ञान है उसके समन्वय की बात की है। तो उस समन्वय के द्वारा जो समाज में विकास होगा, जो समाज के कार्यों का संचालन होगा, उसकी बात उन्होंने की कि सभी विज्ञान को मिलकर कार्य करना चाहिए और जो शोधकर्ता है वो एक सीमा में ना बंधा रहे कि वो समाजशास्त्र का है तो केवल समाजशास्त्री पद्धति का यूज़ करेगा, वो ऐतिहासिक पद्धति का भी यूज़ कर सकता है, वो दार्शनिक पद्धति का भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो अर्थशास्त्री पद्धति का भी यूज़ कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो घरेलू हिंसा पर शोध कर रहा है, ठीक है, तो उसको मानसिक स्तर को भी जानना ज़रूरी है। घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक चोट नहीं बल्कि मानसिक चोट भी लगती है, तो उस स्त्री को कैसा महसूस हुआ, कितनी ठेस लगी, ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है, तो मनोवैज्ञानिक भी हो गया। ठीक है, जब तक हम मनोविज्ञान से नहीं कॉन्टेक्ट करेंगे, लोगों की भावनाओं को कैसे नापा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे तो हम कैसे उस पद्धति का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यही है, उन्होंने कहा कि अंतर्विज्ञानी शोध होना चाहिए, यानी कि अलग अलग जो विज्ञान है उनसे चीज़ें लेकर एक ऐसा यूनिक रिसर्च किया जाए जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसको नाप तोल ना सके, जिसके बारे में अच्छे से पता ना लगाया जाए। ठीक है, डीपी मुखर्जी मानते हैं कि भारतीय समाजशास्त्रियों का प्रथम उत्तरदायित्व है भारतीय परंपराओं का अध्ययन करना। वो देखिए भारतीय परंपरा को सबसे इम्पोर्टेंट मानते थे, बहुत बड़े भक्त थे ये भारतीय परंपरा के। ठीक है, तो उन्होंने उस समय जब अंग्रेजों के खिलाफ लहर चल रही थी तब इन्होंने सबका विरोध करके भारतीय परंपरा को ऊँचा उठाने की कोशिश की। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा भक्त थे भारतीय परंपरा, भारतीय व्यवस्था के। तो यही उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यदि भारतीय समाजशास्त्री है तो तब तक आप भारतीय समाजशास्त्री नहीं कहलाएंगे जब तक आप भारतीय परंपराओं को, भारतीय लोकरीतियों को, भारतीय मूल्यों को, भारतीय नैतिकता को, ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे, आप भारत की व्यवस्था को नहीं जानेंगे, भारत के हर तबके को नहीं जानेंगे, निचले से लेकर ऊँचे सभी प्रकार के तबके को आप नहीं जानेंगे, तो इसका मतलब कि आप भारतीय समाजशास्त्री नहीं हैं। आप समाजशास्त्री बाद में बनिए, पहले आप भारतीय बनिए, भारत की चीज़ों को जानिए, भारत के गहराई से अध्ययन कीजिए। ठीक है, उन्होंने यही कहा कि कोई भी समाजशास्त्री तब तक वो भारतीय समाजशास्त्री नहीं है जब तक क्या है वो भारत की चीज़ों को नहीं जानता। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने कहा कि भारतीय समाजशास्त्री को पहले समाजशास्त्री होना पड़ेगा, उसके बाद वो भारतीय पहले भारतीय बनना पड़ेगा, फिर वो बाद में समाजशास्त्री बने। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने बताई हुई है वही इसमें लिखी हुई है, इसमें कि जब तक आप निचले तबके तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं को भी नहीं जानते रहेंगे, तब तक आप भारत के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, कितना आप नापेंगे तोलेंगे, कितना आप प्रत्यक्षवादी दृष्टि से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जटिल से जटिल परंपरा में भी परंपरा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन्होंने अध्ययन के परंपरागत जो तरीके हैं उसको इन्होंने जानने पर बल दिया। उन्होंने पश्चिमी परंपरा प्रत्यक्षवाद का विरोध किया है, ये आप याद रखिएगा। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, देख लेते हैं, पर्सनालिटी एंड सोसाइटी साइंस 1924 में, फिर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी 1932 में, ऑन इंडियन हिस्ट्री ए स्टडी इन मेथड 1945 में, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक 1945 में,
वीव्स एंड काउंटर वीव्स 1946 में, फिर अ प्रॉब्लम ऑफ यूथ 1946, मॉडर्न इंडियन कल्चर 1948 में, डाइवर्सिटीज ये 1958 में लिखी गई थी, टैगोर ए स्टडी 1972 में। तो ये तो हो गई इनकी पुस्तकें। तो देखिए इनसे संबंधित जो जो चीज़ें पूछी जाती है मैं बस वही इसमें बता रही हूँ, और इनके क्रिटिसाइज वगैरह नहीं पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। इनके देखिए परंपरा के जो सिद्धांत है, मध्यम वर्ग को लेकर जो चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा इनका जो पुस्तक है, ठीक है, कुछ पुस्तकें इसमें से देखिए जो पुस्तकें हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा थिंकर आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितने थिंकर सिलेबस में हैं उनकी सारी पुस्तकों को जानना अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि जो पुस्तक हो सकता है बार बार पूछा जाता है वो इस बार ना पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि अब एनटीए जो है नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्वेश्चंस को बनाने में, तो इसके लिए आपको वो सारे थिंकर्स अच्छे से कंठस्थ करने होंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो डीपी मुखर्जी का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।